तो आप तो पैसे वाले हो, आप तो बड़े बड़े माल बनाओगे। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। किस तरह से पैसा कमाने का उद्देश्य है कि 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, ये विकास ये नहीं कहलाता है, ये स्वयं का विकास हमारे रीवा विधायक और समदड़िया बिल्डर्स का। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी है जे, तो वो भी किसी अडानी अंबानी से कम नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। पैसा लक्ष्मी एक ऐसी चीज है कि किसको नहीं पुसाती है। पैसा ही पैसा होगा, 100 करोड़ का काम है और 1000 करोड़ यदि इसमें मस्त प्लान है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जिसमें स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला पर व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाया है, जिसे सुनकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई क्षेत्र के विकास के नाम पर स्थानीय विधायक अपना विकास कर रहे हैं और अपनी तिजोरी भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल प्रदेश में विगत 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है और 20 वर्षों से रीवा विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, जो 3 पंचवर्षीय मंत्री रह चुके हैं। जब विकास की बात की जाती है तो विधायक श्रेय लेते हैं, तो वहीं जब जनता आक्रोशित होती है और उसे एहसास हो जाता है कि विकास के नाम पर उसका शोषण हो रहा है, तो वहीं विकास पुरुष को विनाश पुरुष की पदवी से अलंकृत करती है। यही कुछ इन दिनों रीवा में हो रहा है। चाहे रीवा से चौराहा सड़क का मामला रहा हो, जहां विगत 20 वर्षों से ठेकेदार नेताओं अधिकारियों ने मलाई छानी करोड़ों का खेल खेला, चाहे वे रिंग रोड हो, फ्लाईओवर हो, रिंग रोड टोल नाका, सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड की दुकानें और जमीन का मामला हो, या जल स्तंभ चौक स्थित गवर्नमेंट प्रेस की जमीन, या फिर सिरमौर चौराहे से सिरमौर रोड और बोदा रोड में बनने वाले फ्लाईओवर का मामला। दरअसल सिरमौर चौराहे की दुकानों को हटाकर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, साथ ही सामने रिक्त पड़ी जमीन समदड़िया बिल्डर को दिए जाने की बात कही जा रही है, जिसके चलते यहां पुस्तों से दुकान लेकर कारोबार करने वाले व्यापारियों को हटाया जा रहा है, जिसके चलते व्यापारियों को अब डर है कि उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा और वे सड़क पर आ जाएंगे। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा एक तरफ रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थों के लिए पुस्तों से छोटे मोटे रोजगार कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यापारियों को सड़क पर लाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का आक्रोश इतना है कि अब विकास पुरुष को विनाश पुरुष नाम से अलंकृत किया जाने लगा है। इसके पीछे उनका दर्द है कि समदड़िया बिल्डर को उपकृत करने के साथ साथ अपना खजाना भरने के लिए उनका शोषण किया जा रहा है। सिरमौर चौराहे पर सिरमौर चौराहा व्यापारी संघ के द्वारा विगत 18 दिसंबर से क्रमिक अनशन किया जा रहा है, लेकिन सुबह से चल रहे निर्माण कार्यों का भ्रमण करने वाले स्थानीय विधायक आज तक व्यापारियों की सुध लेने नहीं पहुंचे, बल्कि खुद व्यापारी विधानसभा अध्यक्ष से लेकर विधायक और अधिकारियों के दरवाजे पर पहुंचकर आप बीती सुनाई। हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने धरना स्थल पर पहुंचकर व्यापारियों के साथ साथ समाज सेवी लोकतंत्र सेनानी अजय खरे से बात की, तो उक्त लोगों ने विधायक राजेंद्र शुक्ला और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बेशकीमती जमीन बेची जा रही है और पुस्तों से व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों के परिवार को भूखे मरने की कगार पर पहुंचाया जा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं धरना स्थल और सुनाते हैं किस तरह से व्यापारियों ने विधायक राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंदोलन चल रहा है जी, विगत 18 तारीख से जी। आपको भी मालूम है कि समदड़िया की जमीन किस तरह से दी जा रही है जी। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है और क्या लगता है कि कब तक ये जारी रहेगा, कुछ न्याय मिलने की आशा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बहरी सरकार है, आंधी सरकार है, इसको सच्चाई और हकीकत दिखाई नहीं देती है। ये तो केवल अपने धन बल के आधार पर, इनको ऐसा भरोसा है कि धन के आधार पर हम संविधान को खरीद सकते हैं, कानून को खरीद सकते हैं, प्रजातंत्र को खरीद सकते हैं, और इसी बेस पर सारे देश में कार्रवाई हो रही, यही का सवाल नहीं है। इस देश के चंद पूंजीपतियों को बढ़ाया जा रहा है और इस देश के जो सर्वहारा वर्ग के हक अधिकार है, गरीबों का हक अधिकार है, छोटे व्यापारियों का हक अधिकार है, उनका हक अधिकार दबाया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है,
उनके स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, जो प्रजातंत्र और संविधान के लिए निश्चित रूप से खतरा है। जहां तक रीवा का सवाल है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां समदरिया का साम्राज्य है, लेकिन उसके पीछे समदरिया तो सामने में है, पीछे और है जिनको माने सत्ता का गरूर हो सकता है, पैसे का गरूर हो सकता है, ऐसे लोग माने उसके पीछे हैं। हम कहते हैं विकास में किसी से विरोध नहीं है, ना छोटे व्यापारियों को विरोध है, किसी को विरोध नहीं है, लेकिन वो विरोध जो है, जो खौ खून और पसीना बहाते हैं, जिन लोगों का माने देश के विकास में हर तरह का योगदान है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, उनके हितों का बलिदान करके, उनके हितों को कुचल करके जो है कोई विकास किया जाता है, उसे मैं विकास नहीं मानता, क्योंकि विकास की आधार वही है जब उनकी मेहनत और खून और पसीना बहता है, तभी कोई विकास अपना मूर्त रूप लेता है, तो उस विकास को हम विकास नहीं कहते। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अपनी आवाज़ अपने तरीके से उठा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को तो सुना नहीं जा रहा है, उठाने का मौका जहाँ रहता वहाँ नहीं दिया जाता है। हम लोग पार्लियामेंट में जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पार्लियामेंट में अपनी बात कहना चाहते हैं, मौका नहीं दिया जाता है, हम बात किसी तरह मौका दिया जाता है उस रिकॉर्ड में नहीं आता है, और जब सुनाई नहीं होती उसके खिलाफ जब आवाज उठाते तो हम लोग को सदन से बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्रजातंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, संविधान का मखौल उड़ा रही है सरकार, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। रीवा का सवाल है, जो तर्क दिया जाता है कि माने हम पीछे जो है तो बहुत चौड़ी सड़क रहेगी और बहुत लागे जनता आएगी, बहुत बढ़िया बिक्री होगी, वहाँ इनको छोटे व्यापारियों को दे दिया जाए और यहाँ फ्रंट में सब दरिया जी रहे। हम कहते हैं कि जब बहुत चौड़ी सड़क रहेगी, सारी जनता वहाँ सामान लेगी, तो आप तो पैसे वाले हो, आप तो बड़े बड़े माल बनाओगे, आप क्यों वहाँ नहीं खोलते हो? आपके यहाँ तो ऐसे लोग माने ढूंढ करके जाएंगे माल में, लेकिन जो गरीब आदमी है, छोटा व्यापारी, उनको यहीं पर रहने दिया जाए, उनको यहीं प्रस्थान दे दिया जाए, इसमें क्या बुराई है? जन आंदोलन की आवश्यकता बिल्कुल, अगर जन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो जन आंदोलन भी करेंगे, हम सब साथ में करेंगे, हम इनके साथ में हैं। और हम कहते हैं कि बिना परमिशन ये मशीन चल रही है, बहुत छोटी सी बात है, अगर माने हमें शौचालय बनवाना होता है, कोई घर में छोटा सा भी काम करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, अगर बिना परमिशन के हमने उसको बना दिया तो माने दंड ठोंक देगी, है ना? लेकिन ये क्यों चल रही है? इसीलिए चल रही, इनको अहंकार है अपने पैसे का, अपने राजनीतिक सत्ता का, कि माने परमिशन मिलती रहेगी, लगा दो काम, काम चालू है, परमिशन मिली नहीं। कुल मिलाकर समदरिया के पीछे किसको मानते हैं, किसका है ये सब कारोबार, ताना बाना, विकास पुरुष? यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रीवा का नेतृत्व करने वाले आदरणीय शुक्ला जी। क्या लगता है किस तरह से आप लोगों ने दुकान लिया था आज, राजमणि जी आपके सामने है, कैसा था, क्या मानते हैं, किसके सहयोग से हो रहा है, क्या न्याय कुछ मिलेगा? न्याय यदि इसी तरीके से हम प्रजातंत्र के साथ में, हमारे जितने माननीय सांसद जी आए ही और जितने लोग जैसे महापौर जी भी आए, हमारे प्रदेश प्रवक्ता माननीय राजन शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, क्योंकि केंद्र से लेके प्रदेश तक सत्ता भाजपा का है, तो जब सत्ता भाजपा की है तो लोग वहाँ उनके खिलाफ बोलते भी हैं, तो यहाँ तो न मीडिया कभी कोई कवरेज करती है, न कभी कोई माने आवाज़ को बताता है, और यहाँ तक तो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा भी था कि हम जब बोलते हैं तो स्वीपर बंद कर दिया जाता है संसद सदस्य में, तो जब हमारी बात को कोई सुनेगा नहीं तो हम क्या चिल्लाएंगे, क्या कहेंगे? और के दम पर आवाज़ दबाई जा रही, किसके दम पर? भाई अपनी सत्ता के दम पर आवाज़ दबा रहे हैं, सत्ता का इनका बड़ा गुरूर हो चुका है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हिटलर शाही जिसको कहते हैं। रीवा में किसको गुरूर है, किसके कारण समदरिया के पीछे क्या है, किस तरह से पैसा कमाने का उद्देश्य है, कि आपको व्यापार देने की बात है, रोजगार देने की बात करती है सरकार? ये रोजगार देने की बात है कि किसी एक व्यक्ति के वास्ते 178 लोगों की बल दे दी जाए, इसको व्यापार कहते हैं कि इसको विनाश कहते हैं? ये विकास ये नहीं कहलाता है। 178 मान लीजिए 100 में 2 लोगों को व्यापार मिला, एक तो जो दिलाने वाले हैं और जो लेने वाला है, 2 जन का विकास हो रहा है, 98 लोगों की हत्या हो रही है। क्या मानते हैं किस तरह से चल रहा है विकास? रीवा शहर में 19 वर्षों से जो विकास चल रहा है शासकीय जमीनों को बेचकर, ये स्वयं का विकास है हमारे रीवा विधायक और समदरिया बिल्डर्स का। निश्चित तौर पर जितनी भी रीवा शहर की शासकीय ज़मीनें थी, आप सब मीडिया के चौथे स्तंभ हमारे, आप सबको जानकारी है कि शहर की ज़मीनें
पूरी उर्दू खुर्द कर दी गई। राजाओं के ज़माने के हमारे शासकीय जो बंगले थे, पाँच पाँच दस दस एकड़ ज़मीनें थीं, आज हालत ये हो गई कि अब सिरमौर चौराहे में 178 दुकानें हैं, तो 90 दुकानदारों की बलि अभी लेने की पूरी योजना हमारे विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने बना दिया है। हम लोग उनके निवास पर दो बार गए कि 1984 की दुकानें बनी हुई हैं और हमारी 2042 और 2050 तक इनकी लीज है, पट्टा है हमारे पास। तो हमारी चलती दुकानों को आप तोड़कर और समदरिया का शोरूम माल न बनाएं। तो विधायक जी कहते हैं भैया आपको हम दुकान दे रहे हैं पीछे। हमने उनको कहा कि आपके तीन मार्केट फेल हैं, रानीगंज नगर नियम के सामने बना है, आप देख सकते हैं वो मार्केट आज भी बंद पड़ा है। दूसरा हमने उदाहरण दिया आपका अस्पताल चौराहे पे इंदिरा मार्केट है, इंदिरा मार्केट में भी सामने की दुकानें चल रही, पीछे सब बंद पड़ी हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे गरीब दुकानदार हैं सिरमौर रोड पे, रीवा पे, इन दुकानों की भी हालत आप रोजी रोटी मत छीनिए, क्योंकि 90% गरीब हैं और 10% अमीर हैं। 90% गरीबों की बलि लेकर आप अमीरों की तिजोरी और पूंजीपतियों के पक्ष में मत खड़े हों। ऐसा तो नहीं कि फ्लाईओवर का बहाना है समदरिया को पूरी तरह यहाँ बैठाना है? फ्लाईओवर तो एक बहाना है, फ्लाईओवर तो हमने कहा बनना चाहिए विकास के ट्रैफिक के लिए। हमारे शासकीय ज़मीनें खाली हैं इन दुकानों के पीछे, इन दुकानों को 10 या 15 मीटर आप पीछे कर दीजिए, वहाँ दुकानें नवीन बनवा दीजिए और आप फ्लाईओवर का निर्माण कर लीजिए। दूसरी तरह आपका जहाँ तक सौंदर्यीकरण और ये समदरिया की जो भी विकास की योजनाएं हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को नक्शा अभी हमने सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम हाउसिंग बोर्ड ये जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नक्शा ही नहीं। इतना बड़ा क्या लगता है, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि विकास के लिए फ्लाईओवर और ये कंक्रीट नहीं, ये सबसे बड़ी बात इसका विकास का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से किया जा रहा है वो तरीका आपत्तिजनक है। हम कहते हैं कि अब तो ये काम जनता का भी अधिकार है, हम कहते हैं समदरिया को दी जा रही है, पहली बात है किस आधार पर दी जा रही है, टर्म्स कंडीशन क्या है, उससे कितना फ़ायदा कितना नुकसान होने वाला है, ये सार्वजनिक होना चाहिए, हम पब्लिक को बताना चाहिए। क्या और किसी ने इस चीज़ को खरीदने की पहल की, क्या किसी ने और कंपटीशन में आए, अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, अकेला ही आदमी क्यों आ रहा है, उसी का क्यों हो रहा है, ये सारे खुल करके ऑपरेशन आम जनता के सामने आना चाहिए कि जो ये हो रहा है वो सही हो रहा है, ओपन हो रहा, संवैधानिक हो रहा, कानून के साथ हो रहा है, ये हो रहा ही रहा है। बस राख से कोई की जमीन होगी कुछ समदरिया को मिल जाएगी, समदरिया को बात कर जाएगा। देता समदरिया बस समदरिया हो जाता है, सारा कानून हो जाता है। समदरिया का ही है कि और कोई है, सिर्फ नाम है समदरिया बहाना, ऐसा तो नहीं? ये तो भगवान जाने कौन है, लेकिन कोई न कोई है, बिना किसी के हुए तो हो नहीं सकता है, है? उसका भी ऑपरेशन होना चाहिए, कांग्रेस के महापौर है उसकी भी आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार है शहर में। नहीं तो शहर में हुई तो कह रहे हैं कि सरकार माने हमारी सरकार के परमिशन ही नहीं है इसको खुदाई के लिए, लेकिन चल रहा है काम, ये रुकना चाहिए जब तक परमिशन न हो जाए। तो जनता के सामने, जनता के सामने कुछ बात विपक्ष नहीं ला पा रहा है क्या, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है, नहीं समझा पा रहे हैं आप? नहीं ऐसा है कि देखिए जनता को जो है, जनता बड़ी भोली भाली है और जनता जो है, जनता को बड़े सुनियोजित तरीके से धर्मांधता के उसमें भटकाया गया है। क्या लगता है आज सांसद जी भी आपके सामने आए, अपनी लड़ी है समदरिया के लिए, इसके पहले 2013 में लड़ी है, कुछ मिलेगा न्याय या कि एक बार फिर तो लड़ना पड़ेगा और विकास के बारे में भी तय करना पड़ेगा कि विकास है क्या। अभी तो दिक्कत यह है कि हम विकास ही समझ नहीं पा रहे, यदि परमिशन मिल ही जाएगी उनको, अभी सील सिक्का भी लग जाएगा जैसे नोटबंदी पर लग गया सुप्रीम कोर्ट का, तो पूरा देश का आदमी मालूम है कि रुख क्या चल रहा है, उसमें आप लड़ेंगे नहीं तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को, सारे मूल्यों को तहस नहस करके जो करते जाएंगे। विकास पुरुष का कितना रोल है इसमें? विकास पुरुष का पूरा पूरा रोल है, विकास पुरुष क्या कहना चाहिए, तथा कथित विकास पुरुष, विनाश पुरुष जैसा ब्रजवासी तिवारी जी कल बोल रहे थे, वो शब्द हम लोगों ने गढ़ दिया है, किसी के लिए विधान पुरुष, किसी के लिए विकास पुरुष, दरअसल ये विनाश पुरुष है और विकास का झुंझुना दिखाकर लोगों को बहला रहे हैं, जैसे बच्चे को माँ बहलाती है दूध के लिए कि दूध नहीं उतरता है, सड़क रही हो पूरा पूरा नक्शत्रनाथ कर दिया, रिंग रोड हो, रतारा वाली रेलवे स्टेशन से रतारा का हो, पूरा सिविल लाइन हो, हजारों एकड़ जमीन अभी भी रीवा में जो कुछ है उस पर भी नज़र है, जो धीरे धीरे बारी बारी से पूरा हड़प रहे हैं। उसमें मैं नाम ले रहा हूँ, राजेंद्र शुक्ला जी है जो इस समय विधायक हैं मंत्री से पहले, उनका पूरा खेल चल रहा है, जैसे देश के स्तर पर चल रहा है खेल, अडानी अंबानी का,
मोदी सरकार में, ठीक उसी तरह का रीवा में संदरिया के माध्यम से। संदरिया एक मोहरा है और मैं, मुझे डर नहीं है, मैं राजेंद्र शुक्ला का नाम डंके के चौक पर ले रहा हूँ कि उनकी यदि संपत्ति यदि पूरा देश में जो डूबी जाए तो वो भी किसी अंडानी अडानी अंबानी से कम नहीं है। लेकिन वो अभी उनका हाईलाइट नहीं होता क्योंकि सबके मुंह बंद कर देते हैं, वो जानते हैं कि कैसे हमको अपना विकास करना है और उन्होंने ये पुश्तैनी सीखा है, हैं। अभी उनके पिताजी थे ठेकेदार से, ये मंत्री हो गए तो अब इनको राज्यस्तर मिल गया। उनको अर्जुन सिंह और तिवारी जी मदद करते थे और इनको ये खुद ही मंत्री हैं, सरकार में हैं, तो ये लूट चल रही है। और दूसरी बात ये आ रही है फ्लाईओवर की, मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है। जो यहाँ अभी बब्बू जी बोल रहे थे कि फ्लाईओवर विकास है, रीवा में फ्लाईओवर का जो तीनों है वो गलत बने हैं, चाहे वो बस स्टैंड का हो, चाहे मैं दावे के साथ कहता हूँ इनका कोई औचित्य नहीं हो, ये बनने वाला है, इसके लिए सड़क चौड़ी करी जाएगी तो गलत होगा। फोर लाइन है, दुकानें वहाँ रहें, यदि जरूरत पड़ती सड़क चौड़ी करना तो और चौड़ी करो, लेकिन फ्लाईओवर के लिए सड़क चौड़ी। व्यापार तो फ्लाईओवर से चल रहा है। हाँ फ्लाईओवर, हाँ उनका व्यापार तो चल ही रहा है क्योंकि वो ठेके मिलेंगे पैसे खाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, जो माल का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह गलत है क्योंकि माल जो है दूर बनता है, शहर के बाहर बनता है, तो रीवा में माल कैसे बनता है। राज्यसभा जी के सदस्य हैं राज्यसभा के माननीय राजमटेर पटेल जी, ये सवाल उठाना चाहिए कि राज्यसभा में या कहीं भी उस माध्यम से कि माल का ये यहाँ माल कैसे बन रहा है। हाईवे पर माल डायरेक्ट कहीं नहीं बनता है, दूर जाके मिलता है, उसका एक क्षेत्र दिया जाता है कम से कम आधा किलोमीटर दूर, माने हाईवे से भी आधा किलोमीटर माल की कल्चर। जनता सर 18 में चुनाव चुनी थी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी है आपकी, क्या लगता है कि जो पूरा पैसा ही इकट्ठा होता है जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर वही आने वाला चुनाव है तो उसकी तैयारी तो नहीं है? वो तैयारी तो प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने की पूरी तैयारी है और ये पूरी तैयारी जो रामा सारे देश में चल रहा है, यही चल रहा है कि किस तरह से संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, किस तरह से जो प्रजातांत्रिक प्रणाली से आम जनता को अधिकार मिला संविधान ने कि अपनी सरकार आम जनता बनाए, तो किस तरह से इसको ख़त्म करके नामिनेशन की पद्धति हो जाए कि जिसको अडवाणी ये अपने मोदी जी कहें कि ये सांसद होगा, ये विधायक होगा, ये सरपंच होगा, वही होगा, तो उस सिस्टम में तो सरकारें चल रही है कि सिस्टम किसी तरह से आ जाए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो जाए। क्या लगता है और आगे क्या होगा दुकानों में आपके और यहाँ के जो व्यापारी है कहाँ तक ले जाएंगे? अब दुकानों के व्यापारियों के जब तक हमने कहा है कि जब तक व्यापारियों के रग में खून रहेगा इस शरीर में, तब तक वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, चाहे जैसा भी हो, चाहे 2 जून के स्थान पर उनको 1 जून की रोटी खानी पड़े, 1 जून की रोटी खा के रह लेंगे या सप्ताह में 2 दिन व्रत करके रह ले लेंगे, बशर्ते आने वाली पीढ़ी जैसे हमारे साथ 10-12 लोग एकत्रित तो होंगे, परिवार हमारा जुड़ा हुआ है, तो उनको सबको भूखों मरने के लिए तो नहीं वो करेंगे, या तो फिर आप अपने आप आत्महत्या कर लेंगे तो हम न देखेंगे, न मुर्दा का मुंह देखेंगे, न रुबाई छूटेगी। कैसे ली गई थी और अब ये होगी अगर हटा दिया जाएगा व्यापार का? ये सन 1984 में स्वीकृति योजना के अंतर्गत दी गई थी, 9 लाख 9 प्रॉफिट में हम लोग अपने कर्ज लेकर बैंक से अपनी दुकानें बनाए थे और सुधार नगर निगम की जमीनें थी, सुधार न्यास ने बना के हमको दिया था। अब यही पहले हम लोगों को गरीब तबके के सब लोग थे यहाँ घूमती और ठेला वाले, उनको 122 रुपये साल लीज लगती थी, ये जब से भाजपा सरकार आई है तब से हम लोगों के ऊपर टैक्स मर दिया गया, प्रॉपर्टी टैक्स लेने लगे, और जब ये हमारी प्रॉपर्टी टैक्स लेते तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी हुई ना, ये कहाँ से आ गए हैं, ये क्यों हमारी जमीन दुकानों को गिरा रहे हैं? हम 1942 तक हम लोग लीज रेंट एग्रीमेंट हो चुका है, हम लोगों के पास इसका पक्का प्रूफ है, इसके बावजूद भी ये हमको आए दिन ये बताते रहते हैं, विधायक माननीय विधायक महोदय ने कहा था कि आप सब लोगों को किनारे कर दिया जाएगा और आप लोग यदि दुकान नहीं लोगे तो हमारे पास बहुत सारे खरीदार हैं जो इस दुकान को ले लेंगे, यानी वो हम लोगों को दमनात्मक रूप से पूर्णतः दफन करना चाहते हैं। कैसे ली गई थी दुकानें, कैसा चल रहा है, आप नहीं दिए दुकान, क्या लगता है कि हम आगे क्या होने जा रहा है, ये भी आए हैं ये अभी जो हमारे माननीय राजमंड पटेल जी कल डॉक्टर मुजीब खान जी रीवा विधानसभा प्रत्याशी भी आए थे, तमाम लोग आ रहे हैं और निश्चित तौर पे सभी की मंशा है कि गरीब दुकानदारों की दुकान न हटाई जाए। आप देखिए
इनसे समदरिया जी से पूछिए कि नगर निगम किसी परमिशन ना होने के बावजूद भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। हम लोग छोटा सा भी घर बनवाते हैं तो भवन निर्माण की अनुमति लेते हैं, उसका शुल्क जमा करते हैं। आज ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, कल वो कह रहे थे कि हम भू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये रीवा के विधायक सबसे बड़े भू माफिया हैं। 19 वर्षों में पूरी शहर की शासकीय जमीन बेच खाया, लेकिन हमारे शिवराज सिंह जी को यह समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। कुल मिलाकर सत्ता सरकार के दबाव में सब कुछ तानाशाही चल रही, जो तानाशाही चल रही है। हमारे जो भी ये यहाँ के करता धरता है, ये रीवा के विधायक हैं, रीवा के विधायक के सरपरस्ती में ही है, बिना अनुमति के निर्माण कार्य चल रहा है। आप स्वयं इनसे पूछिए कि इनके पास नगर निगम की अनुमति है। क्या स्थिति है आगे अब आपके व्यापार की? दुकानें 1984 में दुकानें मिली थी, उसके पहले हमारे पिताजी ठेला मेजर चाय बनाया करते थे, उनके लिए हम लोगों के लिए दुकानें बनाई गई थी छोटी छोटी सुधार न्यास के द्वारा, और हम लोगों ने कर्ज लेकर के दुकान ली थी हमारे पिताजी ने। और आज हमें अत्यंत विस्थापित करने की योजना बना रहे हैं, कहीं और पीछे देने की योजना बना रहे हैं, इसके हम लोग खिलाफ़ हैं और इसकी लड़ाई हम अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाए। देखा आपने, यह आक्रोश और आरोप तथा कथित विकास पुरुष पर है, जिनके द्वारा खोदो बनाओ और शहर की बेसकीमती जमीनों को बिल्डर के हाथों बेचो का खेल खेला जा रहा है। व्यापारियों के आरोप कितने सही और गलत है, यह आप स्वयं विगत 20 वर्षों के कार्यों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।